हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम शव रोटी बनाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में 2 कप आटा लेंगे। अब उसमें 1 कप मैदा, 1 चम्मच स्वादानुसार, करीब 2 से 3 चम्मच ऑयल डालकर सभी को मिला लेंगे। अब पानी डालते हुए आटे को गूंथ लेंगे। आटे को मुलायम होने तक गूंथना है। अब इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। हमने पहले ही आलूओं को उबालकर और छीलकर रख लिया था। अब उन्हें कद्दूकस कर लेते हैं। हमने यहाँ 4 बड़े आलू लिए हैं। अब इसमें स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब आटे को एक बार फिर से अच्छे से गूंथ लेंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी रोटी अच्छे से फूल जाए। रोटी बनाने के लिए थोड़ा सा सूखा आटा बर्तन में ले लेंगे। अब आटे की 1 लोई लेंगे। और उसे थोड़ा सा बेलकर उसमें आलू की फिलिंग करेंगे। और नॉर्मल रोटी की तरह हल्के हाथों से बेल लेंगे। अब रोटी को तवे पर डालेंगे और दोनों साइड से हल्का हल्का सेक लेंगे। अब तेज आंच पर रोटी को सेक लेंगे। और बटर लगाकर रोटी को सर्व करेंगे। हमारी स्टफ रोटी बनकर तैयार है। इसे आप दाल या रायते किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।